परमेश्वर ने बोला है, मेरा काम जो करने वाला थोड़ा दुख तकलीफ आएगा उसको ओवर करके, जो विश्वास करके प्रेयर में पास्टिंग में आगे जाएगा, दूसरा को प्रेम में बैठना है, तब हम लोग का स्पिरिचुअल आगे बढ़ सकता है। हम लोग परमेश्वर को आपको First of all, I thankfulness to God for protection and guidance upon throughout the last 3 days. और यहाँ में 3 days में हम बहुत देखा है, especially host church बहुत अच्छा से ये रेंज फेलोशिप को कंडक्ट किया, और ये हमारा रेंज पास्टर रेवरेंड नाबम तदो और रेंज चेयरमैन और टीम कमिटी पूरा अच्छा से हॉस्पिटलिटी, और बिलीवर्स लोग भी बहुत डिसिप्लिन हुआ है और टाइम पे मेंटेन होकर बहुत अच्छा से लास्ट 3 days में हम लोग यहाँ में परमेश्वर को प्रेजिंग करके वर्शिप करके हम लोग बैठा है। उसमें बहुत हमको बहुत नया सीखने के लिए भी, हम एज स्पीकर हम बहुत खुशी हुआ है। हमारा जो विश्वास लोग, हमारा स्पेशल रेंज का बिलीवर्स लोग बहुत डिसिप्लिन है एकदम खाने पीने में, और ये टाइम में हम लोग वर्शिप करना है, टाइम में खेलना है, टाइम में कल्चर कंपटीशन, लिटरेरी कंपटीशन होना था, उसको सबको अच्छा से हम लोग ये लास्ट 3 days में हम लोग परमेश्वर का नाम से हम लोग हुआ है। इसलिए ये हम लोग का कमिटी और ये बिलीवर्स को मेरा NBC का तरफ से और मेरा बिहाफ से परमेश्वर का नाम से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आपकी तरफ से कुछ एडवाइस रहेगा लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है स्पिरिचुअल वे में?
हम लोग जो परमेश्वर का वचन में देखने से हमारा जो मैसेज हम लोग आज भी दिया है, गॉड हैज गिवन अस टू गिफ्ट्स, गिफ्ट ऑफ लिव एंड गिफ्ट ऑफ सफरिंग इन द नेम ऑफ जीसस। उसको परमेश्वर ने बोला है, मेरा काम जो करने वाला थोड़ा दुख तकलीफ आएगा, उसको ओवर करके जो विश्वास करके प्रेयर में पास्टिंग में आगे जाएगा, दूसरा को प्रेम में बैठना है, तब हम लोग का स्पिरिचुअल आगे बढ़ सकता है। हम लोग परमेश्वर को वचन को कोई लोग अच्छा से समझ में नहीं आता है, इसलिए हमारा जो विश्वास लोग कोई लोग ये अच्छा से विश्वास में नहीं होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू रिसीव एंड वी हैव टू नो द वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली, व्हाट बाइबल सेज, परमेश्वर के वचन में क्या बोला है। तो उसको हम लास्ट 3 डेज में थोड़ा बता दिया, बहुत हमारा बिलीवर्स लोग बहुत खुशी हुआ है। अभी हमारा ये रेंज में बहुत आगे बढ़ेगा, हम बहुत खुशी हुआ है। हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन में भी बहुत 400 एबव 80 डिलीगेट्स आया हुआ है, ये एक रेंज में हमारा 7 चर्चेस से बहुत बिलीवर्स आया हुआ है। बहुत खुशी से अभी हम लोग एंडिंग हुआ है, बहुत खुशी जॉयफुली से अभी हमारा विश्वास लोग अभी हम लोग कंक्लूड हुआ है। तो लास्टली सर, मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि अभी रिसेंटली जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो वो जगह जगह जाके अवेयरनेस फैला रहे हैं कि इलेक्शन टाइम में नो कैश बोल के, तो सर उसके लिए आप क्या कहेंगे आपके तरफ से? वो तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोग जो निशी बप्तिसर काउंसिल ये मोटो रहा है कि क्लीन इलेक्शन, हम लोग क्लीन इलेक्शन मोमेंट टीम भी कमिटी भी हम लोग 2017 में अंडर द लीडरशिप ऑफ परमर जीएस रेवरेंटर चोया का ये लीडरशिप में हम लोग लंच आउट हुआ, और ये बर में 2023 में सेकेंड मोमेंट का लंच आउट होल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग विद इन निशी में भी हम लोग ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाइबल में बोला है नो टू ब्रेव्स, ये कभी ये पैसा लेके बूथ मारना वो प्रभु का अगेंस्ट में है, इसलिए हम लोग को भी विद इन द NBCC में भी हमारा रेंज में चर्चेस में भी हम लोग अवेयरनेस जा रहा है, उसको लार्ज स्केल में अभी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम लेके जा रहा है। वो बहुत अच्छा काम है, उसको गवर्नमेंट साथ देना चाहिए और वेल वर्सर जो हमारा पब्लिक हमारा जनरल विश्वासी लोग को सब उसमें विश्वासी लोग बोल के नहीं सब उसको फॉलो करना है, क्योंकि वो अच्छा काम कर आने वाला जनरेशन के लिए हम लोग के लिए वो बात कर रहा है, इसलिए उसको हम तो पुलिस सपोर्ट है और जो हमारा पब्लिक लुक भी उसको साथ देना है, जो राइट कैंडिडेट राइट पर्सन को देना है इलेक्शन में भी हम लोग आदमी को देख के नहीं देना है, जो अच्छा काम करेगा उसको देख के देना है। थैंक यू। ओके तो सर, आप लोग का आज एनुअल रेंज फेलोशिप का एंडिंग डे है, तो सर ओवरऑल आप लोग का फेलोशिप कैसा है? हमारा फेलोशिप तो एकदम बहुत अच्छा से संपन्न हुआ है, बहुत अच्छा, और कोई कंप्लेन है ऐसा हो सकता करके हमने बहुत ढूंढा इधर उधर कोने कोने, कोई कंप्लेन नहीं, सभी ने सेटिस्फिकेशन हुआ है इसमें, ये बहुत अच्छा से संपन्न हुआ है बस। तो सर ये 11 एनुअल रेंज फेलोशिप तक आने के लिए बहुत लंबा जर्नी था, तो सर इसके बाद भी और आप लोग को बहुत आगे जाना है, तो सर आपका जो फेलो बिलीवर्स है उनको आपकी तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यहाँ से 14 वहाँ चला जाएगा, तो सर उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं चाहूँगा कि 11th यहाँ संपन्न हुआ जो 12 होने जा रहा है पोतिन बाप्टिस्ट चर्च में, तो यहाँ से भी अच्छा हो और सब वहाँ पे सभी यहाँ से इस बार 480 बिलीवर्स यहाँ आए, तो हम चाहेंगे 880 ही आ जाए वहाँ पे आ जाए या 1000 आ जाए, आ करके सभी ऐसे ही हमारे ये तो एक फेस्टिवल के जैसा ही है, सबको एक बार एक साल में मिलना है तो प्रभु वचन सुनना है, खेल कूद करना है, कंपटीशन करना है, एक नॉलेज गेन भी होता है यहाँ पे ना, तो प्रभु वचन के साथ साथ तो सबको आना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए, ये मेरा इच्छा है। तो सर आप जैसे कि यजली रेंज के हैं, तो सर अभी जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो क्लीन इलेक्शन बोल के बोल मतलब अवेयरनेस फैला रहे, तो सर उसके लिए आपका क्या विचार रहेगा? ये एक्चुअली बहुत अच्छा कदम है, हमने तो अभी तक आज तक देखा नहीं है, ये इलेक्शन समय में पैसा लेके धनी हो गया करके ना, बहुत अमीर हो गया इलेक्शन जो कैंडिडेट से पैसा लेके बहुत अमीर हो गया, ऐसा आज तक देखा नहीं है। वो पैसा थोड़ा समय के लिए ही होगा, वो कोई लेके ऐसा एक दो बार कहीं खर्चा कर दे पार्टी कर दे ख़त्म, लेकिन उसका जो दाग रहेगा वो तो 5 साल के बाद भी रहेगा, ये 5 साल के लिए पैसा दे के आपसे वोट लेगा,
नेक्स्ट 10 साल 50 साल जितना वो जिएगा वो दाग आपका पास तो रहेगा। तो इसीलिए पैसा लेके धनी होने का कोशिश भी ना करो, होगा भी नहीं ना, तो पैसा नहीं लेने से भी अच्छा है। अभी इस युग में तो जो अच्छा काम करता है, अच्छा सोच विचार है, उसको देख के वोटिंग वोट देने से हो गया। इतना पैसा का पीछे क्या करेगा, वो पैसा नहीं लेने से आप तो मरेगा नहीं ना, जैसा था वैसा ही रहेगा। मेहनत अगर आप करेगा, अलग मेहनत करेगा, तो उसे आप अमीर या गरीब हो सकता है। आपका मेहनत का पल ही असली कमाई है। जो पैसा लीडर देता है पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल गेन के लिए, वोट के लिए, वो बेकार सा चीज़ है। मेरे लिए तो आज तक तो लेके हम देखा नहीं है और लेंगे भी नहीं हम तो। मेरा तो सिर्फ एक ही बात है, हम है और हमारे विशेष को भी उसको दे दो, वो भी नहीं बोलूँगा, मेरे बच्चे को भी नहीं बोलूँगा। जिसको अच्छा लगता है जेन्यून इंसान को वोट कर देना है, ये है मेरा ख्याल। और जो इन कदम उठा रहा है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, बहुत अच्छा है, उन सभी को शुभकामनाएँ। तो सर लास्टली आपका जो फेलो बिलीवर्स है जो यहाँ फेलोशिप अटेंड किए हैं, जो आपका साथ जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में है, जो स्पीकर टीम है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, बहुत 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 अच्छा। हमारा स्पीकर इस बार जो आया है तांची केलम, पास्टर तांची केलम, हम इनको व्यक्तिगत तौर पे अच्छी तरह से मालूम है, हम दोनों वाकिफ है, बहुत अच्छे इंसान है, दिल के भी अच्छे हैं। उन लोग तो बहुत यंग है ना, यंग है, एजुकेटेड है, फिर भी ईश्वर का काम करते हैं। सब सारे दुनिया के सुख सुविधा को छोड़ के ईश्वर के नाम उनका जीवन कर दिया, तो वह इंसान यहाँ आके हमें सिखाते हैं, कितना अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है ना। तो हम उनको आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, और हमारे यहाँ जो भी जितना चर्च से आए हैं उन सभी को भी शुभकामनाएँ। तो यहाँ से भी ज़्यादा आगे बढ़े, और हमारा ये जो जो बपतिज्म भी लिया है, उन सभी को भी, नए नए आज बपतिज्म लिया है, वो भी अपने ईश्वर को मान के ही अपना डिसीजन लिया। दुनिया में ईश्वर का साथ ही होगा करेगा, खुद का डिसीजन है, किसी ने कोई भी फोर्स नहीं किया ना। तो अपना डिसीजन लेके प्रभु का सामने आया, आज जो नया नया 13-14 जो बपतिज्म लिया, उन सभी को भी शुभकामनाएं, हमेशा ईश्वर के साथ रहे, और बाकी सबको भी शुभकामनाएं जी। थैंक यू।